हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत बड़ा अपडेट आया है दुबई की फ़्लाइट्स के हवाले से कि आपको कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप दुबई में ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिया से तो। और कुछ और लेटेस्ट अपडेट हैं जो कि इमारेट्स ने अपडेट करे हैं सिर्फ उनके लिए जो दुबई को ट्रैवल करना चाहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और कुछ कंट्रीज़ से। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, देखते हैं ये अपडेट्स क्या हैं। आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा और समझाऊँगा और क्या क्या इसमें आपके फ़ायदे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा जो लेटेस्ट जॉब्स वैकेंसीज हैं वो वेबसाइट पे पोस्ट हो चुकी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले लिंक पर क्लिक करके आप जॉब्स को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं www.freejobsindubai.com पर और लेटेस्ट वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, न्यूज की तरफ नजर डालते हैं। न्यूज जो है दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है, आज की है 10 ऑफ अगस्त की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्लाइट टू दुबई कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंट टू रिटर्न। ठीक, जरूरत नहीं है। द एयरलाइन सपोर्ट टीम कंफर्म द डेवलपमेंट ऑन ट्विटर। ये डेवलपमेंट रिसेंटली है, ट्विटर पर उन्होंने कंफर्म करा। एक बंदे हैं कोई आफ्ताब अंसारी, उन्होंने ये उनसे ट्विटर पे पूछा कि सर मुझे कोविड शील्ड की वैक्सीनेट लगी हुई है इंडिया में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ रिटर्न जाने के लिए दुबई या नहीं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप जा सकते हैं, आपको वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास रेसिडेंशियल वीज़ा होनी चाहिए। दोस्तों पूरी डिटेल्स को हम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में यही बात बताई गई कि ये जो ट्रैवल कर रहे हैं दुबई को, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से, सिर्फ इन कंट्रीज से दुबई को जो ट्रैवल करेंगे उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब बात करें और अपडेट्स की तो साफ साफ पर लिखा हुआ है, ऑल पैसेंजर विद अ वैलिड यूई रेसिडेंशियल वीजा आर अलाउड टू ट्रैवल इन दो दुबई फ्रॉम इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा। ठीक, ये सिर्फ दुबई के लिए है, अबू धाबी के लिए नहीं है, किसी और इमारेट्स के नहीं है। ठीक, बाकी और जो सारे अपडेट है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑल पैसेंजर अराइविंग टू दुबई मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग। ये सब डिटेल्स आपको पता होने चाहिए, दुबई की वीजा आपके पास हो और आपको प्री एंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा GDRFA से, जो कि आपको पता ही होगा, और आपको एक COVID-19 का टेस्ट सर्टिफिकेट की जरूरत भी पड़ेगी जो कि 48 आवर पुराना हो और उसके QR कोड की लिंक भी आपको आपके पास होनी चाहिए। ठीक, पैसेंजर मस्ट कंप्लीट ए COVID-19 PCR रैपिड टेस्ट 4 आवर बिफोर द डिपार्चर ऑफ देयर फ्लाइट, रैपिड एंटीजन टेस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपको एक PCR टेस्ट कराना पड़ेगा 4 घंटे पहले और एक रिपोर्ट। ठीक, दो अपडेट ये होगा, पैसेंजर मस्ट कंप्लीट COVID-19 PCR ऑन अराइवल, यानी कि आपको जैसे आप दुबई उतरेंगे तब भी आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा। जो UAE नेशन है उनको ये वो इस चीज से एक्सेप्ट होंगे, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। बाकी यहां पर कुछ और अपडेट भी आप पढ़ लीजिएगा, इन्होंने साफ साफ यही कहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, बस आपके पास वैलिड वीजा होनी चाहिए। ठीक, बाकी जो दुबई वाले हैं, अबू धाबी वाले हैं, वो उनके लिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अबू धाबी बेस्ड ETR एयरवेज, पैसेंजर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश मस्ट हैव अ वैलिड रेसिडेंट एंड प्रूफ ऑफ हैविंग रिसीव बोथ डोज ऑफ COVID-19 वैक्सीन विद इन द UAE। यानी कि जो अबू धाबी वाले हैं उनको पूरे दोनों डोज लगे होने चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, जो ये अपडेट सिर्फ उनके लिए जो दुबई को ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनके पास दुबई की वीजा है। ठीक, अगर आपके पास अबू धाबी की भी वीजा है तो आप दुबई को ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट अपडेट आपको बताने थे। बाकी एक बहुत अच्छा साइन ये लग रहा है, बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये जो सारी बाउंड्रीज हैं ये सब हटने वाली हैं। दोस्तों आप इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और पहली बार आए हो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू